learners, welcome to day 7 of class 12th board exam 2021 full biology revision series, जहां पे आज के session में हम revise करने वाले हैं microbes in human welfare. ये वाला chapter बहुत बहुत ज्यादा easy है. इसमें से सिर्फ चार concept आपको आने चाहिए. Number one, कि हम household में कौन कौन से microbes यूज करते हैं और किन किन products में यूज करते हैं. Number two, जो इंडस्ट्री में बनने वाले जो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कौन से माइक्रोब्स और किस प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं. नंबर थर्ड, यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर हम कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं. और लास्ट में बस हमको ये देखना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है और वो क्या होता है, यानी कि पूरा सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है. इसके बाद बायोगैस वाला भी है. बायोगैस वाला जस्ट बुक से पढ़ लेना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बायोगैस सबने पढ़ रखा होता है थोड़ा बहुत. ओके, बस एक बार अच्छे से देख लेना बायोगैस को. और हाउएवर, ये पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से. तो देखो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है आपके पास कर्ड, यानी कि आपका योगर्ट. योगर्ट के अंदर जो आपको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस. ओके, स्ट्रेप्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, LAB विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अब हम सब जानते हैं कर्ड जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अगर आप LAB लिख के आओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, लैक्टोबैसिलस और LAB विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. और एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी. ओके, सो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि कर्ड के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. दो नाम अच्छे से कर लो याद. नेक्स्ट है आपका डो. डो यानी हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, आपका बन बनाते हैं, या फिर हम रोटी भी बनाते हैं, चपाती, वो सारी चीजें डो के थ्रू ही बनती हैं. तो डो में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डो में हमें यीस्ट देखने के लिए मिलता है, और यीस्ट का नाम है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसीस सेरिवेसी ई. राइट, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं बेकर्स यीस्ट. बेकर्स क्यों बोलते हैं, बेकर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम ब्रेड भी बनाते हैं. ओके, इसके थ्रू हम ब्रेड भी बनाते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसीज सेरिवेसी ई को बेकर्स एंड ब्रूअर यीस्ट. ओके, यहाँ पे टोडी. टोडी एक ऐसी स्पेशल ड्रिंक है जिसको हम प्लांट के सैप से लेते हैं. ओके, प्लांट के सैप से लेते हैं, और लोग इसे बहुत एक फेस्टिव पे, एक कल्चर इनका चलता आ रहा है कि जब भी कोई सेलिब्रेशन होगा तो ये जो टोडी है जो कि फर्मेंटेशन है प्लांट सैप का, उसे ड्रिंक करेंगे. तो ये एक सेलिब्रेशन पे ये लोग ड्रिंक करते हैं. नेक्स्ट है आपका चीज. ये जो चीज है आपका दो देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग चीज, वैसे तो बहुत सारी है, NCERT में दो दे रखी है तो इतना इनफ है, ये याद कर लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा. दिस इज स्विस चीज एंड रॉक्यूफोर्टाई चीज. ओके, या फिर रॉक्यूफोर्ट चीज. इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, स्विस चीज में आपका जो देखने के लिए मिलता है बैक्टेरियम, इट इज प्रोपियोनी बैक्टेरियम शार्मानी. अब देखो, शार्मानी एस से है और स्विस चीज भी एस से है. ओके, तो ये एस तब आपको हेल्पफुल रहेगा जब आपको ये दिया हो MCQs में. ओके, हाउएवर ये वाली ट्रिक इतना काम नहीं आएगी जब आपको लिखना होगा नाम. तो प्रोपियोनी बैक्टेरियम शार्मानी आपको याद करना पड़ेगा. अगर कोई भी आपका फ्रेंड शर्मा है उसके नाम से याद कर लो शार्मानी, तो प्रोपियोनी बैक्टेरियम शार्मानी. ओके, अब बात करते हैं रॉक्यूफोर्टाई चीज की. रॉक्यूफोर्टाई चीज में जो देखने के लिए मिलता है, विच इज पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई. ओके, यहाँ पे ये चीज हो गया हमारा, कर्ड हो गया, डो हो गया, टोडी हो गया. अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की. से नंबर वन आती है आपकी एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में आती है आपकी पेनिसिलियम. पेनिसिलियम किसने डिस्कवर करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम डिस्कवर करी थी. यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं एग्जाम के अंदर. नंबर वन है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड एक फंजाई से हमें देखने के लिए मिलता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फंजाई से. उस फंजाई का नाम है एस्परगिलस निगर. बच्चे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सबसे नंबर वन मैंने से रखा है. दूसरा है आपका एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टेरियम से, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटिक. एसिटोबैक्टर एसिटिक हर बच्चे को याद रहता है, कंफ्यूजन आता है सिट्रिक एसिड में, बच्चा ये याद ही नहीं कर पाता है कि सिट्रिक एसिड फंजाई से लेते हैं और उसका नाम है एस्परगिलस निगर. लेकिन आपको ये याद करना है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो. ओके, नंबर थर्ड है आपका ब्यूटेरिक एसिड. ब्यूटेरिक एसिड ये भी हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम
ब्यूटाइलिकम और क्लॉस्ट्रिडियम अगर ये आपके एमसीक्यू में आता है तो हर बच्चा राइट आंसर करके आता है, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन के आता है, यही बच्चा गलती करता है, उसको क्लॉस्ट्रिडियम याद नहीं रहता, पीछे का याद रहता है ब्यूटाइलिकम। ये मैंने बहुत सारी आपकी कॉपीज चेक करी है, उसके थ्रू मैंने एनालिसिस बनाई है कि हाँ बच्चा ये करता है और ये नहीं करता। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है आपका लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, लैक्टिक एसिड में देखने के लिए मिलता है आपको लैक्टोबेसिलस से जो हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है, लैक्टोबेसिलस के थ्रू। अब बात कर रहे हैं हम एंजाइम्स की, एंजाइम्स आपको जो देखने के लिए मिलते हैं प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में। तो सबसे पहले हम एक चीज बता देती हूँ, एज यूज करते हैं, जिसके भी लास्ट में एज आएगा वो आपका एंजाइम है। हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइपेज से, लाइपेज को हम यूज करते हैं डिटर्जेंट या फिर स्टेन में। देखो अगर कोई भी आपके शर्ट पे कुछ भी ऐसा निशान हो गया, फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए आप जो अपने ब्लेजर्स या जो भी चीज देते हो वहां पे यूज करा जाता है लाइपेज एंजाइम, ताकि उससे हम जितने भी स्टेन है वो हटा सके, आपकी क्लोथ्स पे जो स्टेनिंग है वो हट जाए, किसी बेडशीट पे स्टेनिंग है वो हट जाए। तो ये सारी चीजें हम तब यूज करते हैं। ओके, लॉन्ड्रीज के अंदर। ओके, फिर है आपका पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस इसको हम यूज करते हैं जो भी आपके बॉटल जूस होते हैं और आपके जो मार्केट से लाया हुआ जूस, दो तरीके के जूस होते हैं। एक तो आप जो पूरी जो आपकी जूस शॉप होती है उससे लेते हो, राइट, एंड द नेक्स्ट सेकेंड वन इज जो आप लेते हो जैसे ट्रॉपिकाना। ओके, हम किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ट्रॉपिकाना का। तो ट्रॉपिकाना के अंदर आपको, हाँ वो बोल देते हैं कि इसमें पल्प है, लेकिन आपको ज्यादातर जितने भी पैक जूसेस देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि माजा हो गया, तो उसमें पल्प नहीं होता, राइट। हाउएवर जो आप एक जूस शॉप पे जाके किसी मार्केट से जूस परचेज करते हो उसके अंदर पल्प प्रेजेंट रहता है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मदर कह सकते हैं, मदर पल्प कुछ करके ऐसा बोलते हैं। सो वहां पे प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकाना या फिर माजा फ्रूटी इन सब में से ये पल्प हटा दिया जाता है एंजाइम के थ्रू। वो एंजाइम का नाम क्या है, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस, दो एंजाइम है, दोनों के नाम बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ये क्लैरिफाइंग मतलब जितना भी पल्प है उसको हटा देता है ये वाला एंजाइम, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस, राइट। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट्स में यूज करते हैं फॉर क्लॉट बस्टर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, हम तो भूल गए, रिवाइज करना है दोबारा से। सो यहाँ पे 3 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे। ओके, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, इट्स नॉट इन्फ्रैक्शन, इट्स इन्फार्क्शन। ओके, सो इन्फेक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, डिपोजिशन हो जाता है क्लॉट का या फिर आप बोल सकते हो कोलेस्ट्रॉल का आपकी अर्टरीज में, जो आपकी अर्टरीज होती है हर्ट की, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है डिपोजिशन क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से कार्डियक टिश्यू की डेथ हो जाती है। जब कार्डियक टिश्यू यानी कि कार्डियक टिश्यू क्या हो गया, आपके हार्ट के टिश्यू, राइट, हार्ट के टिश्यू की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली हार्ट पंप करना स्टॉप कर देगा और अल्टीमेटली उस मैन या वुमेन की डेथ हो जाएगी। तो हमें अगर ये ब्लॉकेज रोकना है आर्टरी का, तो इसके लिए हम एक क्लॉट बस्टर यूज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट। दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, एक ना एक कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नंबर वन इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है। अब ऑर्गन कौन कौन से ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, किडनी बहुत सुना होगा, लिवर, ओके, सो ये किडनी और लिवर तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, मेनली बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, ताकि जो हम ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसको कम कर सके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो इम्यूनिटी है, उनका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि हम बाहर से एक बाहर वाली चीज हम उनकी बॉडी में ऐड कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट ना करे, इसीलिए हम उन्हें क्या देते हैं, आपका साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, यानी कि दब जाता है और वो बाहर वाली बॉडी के जो सेल है, लिवर है, किसी और की बॉडी का किडनी है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैटिन। स्टैटिन
भी हम फंगस से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फंगस का नाम बहुत अच्छा है, विच इज मोनास्कस पुरपुरी. मोनास्कस पुरपुरी एक ब्लैक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है. इससे क्या होता है, इसका वर्क थोड़ा अलग है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज की तरह नहीं है. यहाँ पे ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एंजाइम्स को और आपका जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करते हैं उन्हें सिंथेसिस नहीं करने देता, यानी कि उन एंजाइम्स पे वर्क करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं और उनको रोक देता है कॉम्पिटेटिवली. ओके, और ये किसका काम है, स्टैटिन का. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बिवरेजेस. फर्मेंटेड बिवरेजेस, बिवरेजेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो डिस्टिलेशन के थ्रू तैयार हुए और एक होता है नॉन डिस्टिलेशन के थ्रू या फिर विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू. इसमें भी डिफ्रेंसिएशन एग्जाम में पूछ लेता है, डिस्टिलेशन वाली विस्की ब्रांडी रम है एंड विदाउट डिस्टिलेशन वाली वाइन और बियर है. ओके, वाइन एंड बियर एंड द डिस्टिलेशन वन इज विस्की ब्रांडी एंड रम. ये ब्रांड नहीं है, इट्स ब्रांडी. ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन कवर अप कर लिया. आप ऐसे फ्लो चार्ट में भी लिख के आएंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आपका फ्लो चार्ट क्लियर हो बहुत ज्यादा. नाउ बैक्टीरिया, जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, देयर इज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि हम फर्टिलिटी, सॉइल्स की फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं. इसमें नंबर वन बैक्टीरियाज हो सकते हैं आपके. तो वो बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं आपके, दो बैक्टीरिया हो सकते हैं, राइजोबियम ओके, या फिर Azospirillum and Azobacter, ये आपके बैक्टीरिया के अंदर आ गए. नाउ फंजाई, फंजाई के अंदर जो हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं इज माइकोराइजा. माइकोराइजा में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ये बिलोंग करता है ग्लोमस से. फिर है आपका साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आपका नोस्टॉक, एनाबीना एंड एसिलेटोरिया, ये तीन आपको देखने के लिए मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर. नेक्स्ट वन इज बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट वो एजेंट जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिजीजेस और हम कह सकते हैं पेस्ट बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करके. यानी कि इन एजेंट्स को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें डिजीज कम होगी और पेस्ट उनको नुकसान नहीं करेंगे. तो नंबर वन है आपका लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई. लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ये दोनों बायो कंट्रोल एजेंट है जिनको हम यूज करते हैं ताकि प्लांट्स को एफिड्स और मस्कीटोज से दूर रखा जा सके. मस्कीटोज और एफिड्स हमारे प्लांट को नुकसान कॉज करते हैं, यानी कि खा जाते हैं, पेस्ट है उनके ऊपर, तो इनको हटाने के लिए हम लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाईज का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा को भी हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. फिर आपका बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस. बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस जिसे को हम क्या बोलते हैं, बीटी, इसको हम यूज करते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर को किल करने के लिए, जो कि हमारे कॉटन फील्ड को बहुत ज्यादा खराब कर देती है, राइट. सो बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस को हम यूज करते हैं. फिर लास्ट है आपका बैक्यूलोवायरसेस. बैक्यूलोवायरसेस ये हम इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ओके, आईपीएम में, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम इसका यूज करते हैं. फिर यहाँ पे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि ये स्पीशीज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही, स्पेसिफिक इंसेक्ट पे ही ये वर्क करती है ओके. तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है बैक्यूलो वायरस में. और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा किससे बिलोंग करती है, ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से. इसकी स्पेलिंग भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा. फिर है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट, पूरा आपका सारा वेस्ट ओके, वेस्ट वाटर आपके स्कूल कॉलेजेस हाउस होल्ड आपके ऑफिसेस हर जगह से, और फिर ये सब कुछ कलेक्ट करके जो हमारा रॉ सीवेज है उसको हम अंडरगो करते हैं आपका फिजिकल ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट वन होगा आपका बायोलॉजिकल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो नंबर वन फिजिकल ट्रीटमेंट, मतलब आपको फिजिकली सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, और बायोलॉजिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियसली माइक्रोब्स देखने के लिए मिलेंगे. सो नंबर वन फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में ये फिजिकल मेथड है, इसमें क्या होगा, ये मैश स्क्रीन के थ्रू, यहाँ पे हम मैश स्क्रीन यूज करेंगे, और इस मैश स्क्रीन के थ्रू जितना भी आपका जो आप बोल सकते हो पेबल्स है, पेडल्स है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर रह जाएगा और सिर्फ जो वाटर वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा. नेक्स्ट जो नीचे वाला पार्ट होगा उस इफ्लुएंट को हम उसको वाले पार्ट को लेंगे, और एक हमारा जो प्राइमरी सीवेज टैंक है इसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करवाएंगे. सेडिमेंटेशन की प्रोसेस भी
आपकी किसके अंदर आती है, फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो दो लेयर्स बन जाएंगी, ऊपर वाली को हम बोलेंगे इफ्लुएंट और नीचे वाली को हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ग्रिट। ग्रिट होता है आपका सैंड, छोटे छोटे पेबल्स, वो पेबल्स जो यहाँ से पास आउट हो चुके थे लेकिन यहाँ पे आके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी स्लज। अब क्या करेंगे, हम ये नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट टैंक में, विच इज इरेशन टैंक। इरेशन टैंक से यहाँ से आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो बबल्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो गैस के बबल्स हैं, ओके। फिर यहाँ पे माइक्रोब्स वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इरेशन टैंक में से जितना भी आगे का इफ्लुएंट है वो दूसरे वाले टैंक में लेके जाएंगे, विच इज सेटलिंग टैंक, सेटिंग टैंक जिसको हम बोलते हैं। सेटिंग टैंक में यहाँ पे क्या होगा, नीचे जितने भी आपका इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर हमारा प्योर वाला पार्ट आ जाएगा। इसको डायरेक्ट हम रिवर में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर हम अब रिवर में इसको डालेंगे तो कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से ये इरेशन टैंक में जितने भी बैक्टीरिया थे उनसे इसका सारा आप ये बोल सकते हो ट्रीटमेंट करवा दिया है, राइट। यहां से थोड़ा सा पार्ट हम जब आगे लेके जा रहे हैं इसमें से निकाल के दोबारा से इसमें डालेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें होंगे आपके बैक्टीरियाज। अब जो बैक्टीरियाज हमने लिए वो दोबारा से इसी वाले टैंक में डालेंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है आपका सारा डिग्रेडेशन कर सके, तो जितना भी पार्ट है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका सारा अच्छी तरीके से डिकम्पोजिशन हो सके बैक्टीरियाज के थ्रू, वो चीज हमको करवानी है। अब ये जो सेटलिंग का पार्ट है ना, ये हम लेके जाएंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या करेंगे, इसका हम डीवॉटरिंग के थ्रू, डीवॉटरिंग में लेके जाएंगे, इसे हम बायोगैस प्लांट, लैंडफिल्स और मैन्योर में यूज करेंगे, ये बहुत इजीली वहां पे वर्क करता है। तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेके जाएंगे नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम डिस्टार्ट कर देंगे रिवर में। आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजीली हमने कवर अप कर ली हर कोई चीज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में। बायोटेक्नोलॉजी का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज आप उससे जाके चेक कर लीजिएगा। हम आगे का कंटिन्यू करेंगे आपकी इकोलॉजी से। थैंक यू।